हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR क्या होता है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR होता है वो किस किस साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, या फिर इस कैप्सूल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की। जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR होता है उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, या फिर उसका यूज कितने तरीके से किया जाता है, और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। जो रेबीप्रेजोल TSR कैप्सूल होता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, और इसके क्या 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 दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अब इसकी साल्ट फॉर्मूलेशन की, कि इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो कितनी MG में पाया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जो रेबीप्रेजोल TSR कैप्सूल होता है उसके क्या क्या ब्रांड नेम मार्केट में पाए जाते हैं, और लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसके हम मोड ऑफ एक्शन की। जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR कैप्सूल होता है उसका क्या क्या मोड ऑफ एक्शन पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की आने की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR क्या होता है। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब बात करते हैं कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR क्या होता है। जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR होता है वो दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, या इसके अंदर दो साल्ट पाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या होता है रेबीप्रेजोल पाया जाता है, और जो सेकेंड पाया जाता है वो क्या होता है इसमें डोमपेरिडोन पाया जाता है। जो पहला पाया जाता है रेबीप्रेजोल वो क्या होता है एंटी अल्सरेटिव ड्रग्स पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं PPI इनहिबिटर भी कहते हैं, और जो सेकंड पाई जाती है इसमें वो कौन सी होती है डोमपेरिडोन पाई जाती है, जो क्या कहलाती है एंटी एमेटिक्स ड्रग्स होती है, जो उल्टी को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूज की। जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला जो यूज किया जाता है इसका एसिडिटी और हार्टबर्न में यूज किया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है जब किसी पेशेंट के पेट में क्या हो जाता है एसिड ज़्यादा बनना सिक्रेट हो जाता है, जिससे पेट में क्या हो जाती है जलन सी महसूस होती है, या फिर सीने पे जलन सी महसूस होती है, तो इसे रोकने के लिए रेबीप्रेजोल TSR का यूज किया जाता है। जो सेकंड जो यूज किया जाता है इसका GORD डिसीज में यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। इसमें क्या होता है एसिड बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, जो गले की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है चेस्ट में क्या होता है जलन सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है, खट्टी खट्टी टकारें आती हैं, तब इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका इरोसिव ईसोफेजाइटिस में यूज किया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है इस कंडीशन में एसिड क्या होता है गले की तरफ आ रहा होता है, ज़्यादा आ जाता है, जिससे क्या होता है ईसोफेगस में क्या हो जाते हैं छाले से पड़ जाते हैं। इन छालों को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है कैप्सूल TSR का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है पुराने अल्सर्स तो क्या होता है भरने लग जाते हैं, जिससे नए घाव नहीं बनते हैं। और नेक्स्ट जो कि यूज किया जाता है इसका नोजिया वोमिटिंग, या फिर किसी पेशेंट के नोजिया हो जाती है, या उकाई सी आना, या फिर वोमिटिंग या उल्टी होती है, तब इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका ZES में यूज किया जाता है, यानी जोलिंजर इलिशन सिंड्रोम यूज किया जाता है, जब किसी पेशेंट में क्या होता है पेनक्रियाज क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लग जाती है, उस एसिडिटी को कम करने के लिए कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साल्ट फॉर्मेशन की। जो कैप्सूल रेबीप्रेजोल TSR पाया जाता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। पहला जो पाया जाता है इसमें रेबीप्रेजोल पाया जाता है, वो कितना MG पाया जाता है 20 MG पाया जाता है, और जो सेकंड पाया जाता है इसमें डोमपेरिडोन पाया जाता है, वो कितने MG पाया जाता है 30 MG पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, कि मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से पाया जाता है। पहला जो पाया जाता है इसमें रेबीज़ D के नाम से पाया जाता है, सेकंड जो पाया जाता है सायरा D के नाम से पाया जाता है, और थर्ड जो पाया जाता है रेजो D के नाम से पाया जाता है, फोर्थ कंडीशन पर जो पाया जाता है रेबिकाइन DSR के नाम से ही पाया जाता है, और नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें रेबलेट TSR के नाम से भी पाया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज फॉर्म की, जो कैप्सूल या जो DSR होता है वो किस डोज में पाया जाता है या फिर उसे कितना लेना होता है। दोस्तों अगर इस कैप्सूल के पीछे या फिर साथ में क्या लगा होता है, SR फॉर्म लगी होती है, जिसका मीन्स क्या होता है, सस्टेन रिलीज होता है, वो दिन में एक बार ही काफ़ी होता है, या फिर खाना खाने से पहले से खा सकते हैं इसे, या फिर दिन में एक बार ही काफ़ी खाना होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट की, जो कैप्सूल एबोप्रोजोल DSR होता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। पहला जो दिखाई देता है इसका, ड्राई माउथ दिखाई देता है, इससे क्या होगा, आपका मुंह सूखा सूखा सा रहेगा और वीकनेस कमजोरी सी महसूस होगी, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर स्टमक पेन हो सकता है यानी पेट में दर्द हो सकता है, और डिजीनेस भी हो सकती है यानी सुस्ती भी हो सकती है। दोस्तों इन सिम्टम में से अगर कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी पर नज़र आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना बंद कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, जिससे वो आपको कोई और चेंज करके मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, जो कैप्सूल एबोप्रोजोल DSR होता है वो कैसे कैसे काम करता है। हमने अभी पहले शुरू में बात की थी, ये दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है इसमें, रेबीप्राजोल होता है, और दूसरा क्या होता है, डोमपेडोम होता है। जो रेबीप्राजोल होता है वो क्या होता है, एंटी अल्सरेटिव ड्रग्स होती है, जो क्या करती है, PPI इनहिबिटर होती है, जो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर होती है, जो पेट के में ज़्यादा जो एसिड बनता है उसको रोकने का काम करती है। और जो सेकेंड जो होती है इसमें, डोमपेडोम पाई जाती है, जो क्या होती है, एंटी एमेटिक ड्रग्स होती है, जो उल्टी को रोकने का काम करती है, यानी ये क्या करती है, स्टमक के और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, खाना आसानी से पच जाता है और उल्टी भी नहीं आती है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी YouTube वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।